Hello everyone, welcome back to Summarized, my YouTube channel. और आज बहुत भारी मन से बात करेंगे. तुम्हारे छात्र फंसे हुए हैं, आज फिर क्यूब में एक छात्र को गोली लगी है. अभी तक जो सूचनाएं सामने आई हैं, हरजोत नाम है. आवर ओन गवर्नमेंट हैज कम्प्लीटली अबॉन्डेंड द स्टूडेंट्स स्टक इन द वॉर जोन. आप देखें कि गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है, स्टे इन द बंकर्स एंड लर्न रशियन. लाइक रियली, यूक्रेन में रह रहे छात्रों को आप बोल रहे हैं कि बंकरों में छिपे रहो और रशियन सीखो और खाएं क्या, बंकर की दीवारें खोद के. द सेम गवर्नमेंट विच इज ट्राइंग टू डू पीआर उन छात्रों के दम पे जो बिना किसी सरकारी समर्थन के अपनी अपनी जगहों से, और खासतौर पर ये वो थे जो वेस्टर्न यूक्रेन में थे, जो रोमानिया के बॉर्डर के क्लोज थे, जो लबिब में थे, जो भी वेस्टर्न यूक्रेन में ही ज्यादा आता है, आसपास थे, जो भाग के पहुंचे, जो खार्किव में हैं, जो सुमी में हैं, जो लुहांस्क में हैं, उनके बारे में. सुमी का तो नाम नहीं ले रहे हैं. कल इन्होंने एडवाइजरी जारी की परसों कि किसी भी हालत में छात्र खार्किव छोड़ के निकलें, कैसे भी निकलें, 16 किलोमीटर पैदल जाएं इन अ वार जोन. मीडिया ने पूरा एक झूठा माहौल यहाँ पे बनाया, गोदी मीडिया ने, भाजपा आईटी सेल ने. हमारे मोती जी इतने इतने बलवान हैं कि रशिया ने 6 घंटे के लिए सीज फायर कर दिया है कि निकल जाए, वो सब झूठ था. रशियन शेलिंग वॉज कंटिन्यूअस. उतने लंबे काफिले को देख के हजार हजार 800-800 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, तो सबको समझ में आता है कि ये यूक्रेनी नहीं होंगे और सिविलियन ड्रेसेस में. एनीवेज, तो केवल यही हमारा लो पॉइंट नहीं है, और उसी के बीच में हमारी सरकार का, ये भारत के इतिहास में भारत के डिप्लोमेसी का सबसे अपमानजनक क्षण है. हम इसके पहले केवल सम्मान जानते थे, बीते 7 साल में हम सिर्फ अपमान देख रहे हैं. लेकिन ऐसा अपमान तो हमारा कभी नहीं हुआ था कि एक मेयर इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर को केवल धमका ना दे, बेइज्जत कर दे लिटरली. हे, आई एम गिविंग देम शेल्टर, आई एम गिविंग देम फूड. और ये गुस्सा जस्टिफाइड था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं रोमानिया के एक शहर में, जो उनको शरण दे रहा है, हमारे भारतीय छात्रों को. एंड व्हाट द हेक वाज ही टॉकिंग अबाउट डॉग्स. क्योंकि मेयर ने जब बात की है तब उसने बोला है कि डोंट टॉक अबाउट डॉग्स, टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ गाइस. उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं. डोंट टॉक अबाउट डॉग्स, टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ गाइस. बेसिकली टॉक अबाउट दिस गाइस, हाउ आर दे गोइंग होम, व्हेन आर दे गोइंग होम. एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया भूल गए कि वो रोमानिया है, उनका गुना ग्वालियर नहीं. और उन्होंने कहा कि आई विल डिसाइड स्टैंड देयर. और उसके बाद जो वो बढ़ता है, हे, भारतीय कूटनीति में, मतलब आज तक हमने भारत के किसी केंद्रीय मंत्री का प्रोटोकॉल में उनसे बहुत नीचे, एक मेयर का, एक छोटे से शहर के मेयर द्वारा अपमान करते हुए मैंने नहीं देखा था. आज तक किसी भारतीय कैबिनेट मंत्री का अपमान ही नहीं देखा था. और ये इकलौता अपमान नहीं, ये शुरू करवाया था अर्नब गोस्वामी ने, जिसने एक ओल्ड रशिया हैंड को बुला लिया, गिलबर्ट डॉक्टरो, लिस्बन में रहते हैं, पूरी जिंदगी मल्टीनेशनल्स में काम किया, रशिया उनका मेजर एरिया ऑफ ऑपरेशन रहा. दुनिया के बड़े रशिया एक्सपर्ट्स में गिने जाते हैं जो नॉन अलाइंड, उनको बुला लिया और पहले बोलने नहीं दिया. और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो अर्नब गोस्वामी ने 1.25 मिनट सुना. गिलबर्ट ने बोला कि कंगारू कोर्ट बंद करो. और ये यूनिपोलर दुनिया में नाटो की बदतमीजी में, नाटो की दबंगई में दिक्कत थी. और रशिया जो कर रहा है, अगर वो उसमें कामयाब होता है तो सबसे ज्यादा फायदा चाइना और इंडिया को ही होगा. और उसके पहले उन्होंने बोला हाँ कि अनफॉर्चुनेट है कि मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन का, नॉन अलाइन मूवमेंट का इतना बड़ा नेता भारत अभी स्तर पर उतर आया है. और फिर उन्होंने सबसे बड़ा धमाका किया, ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे अपने देश के खिलाफ, यू आर एंटी नेशनल. ये अर्नब गोस्वामी को उसके चैनल पे कोई बोल के चला गया. वैसे इसमें कोई खास बात नहीं है, पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की हत्या पर वो जैसे उछला कूदा था हमने देखा है. तीसरी घटना इसके ठीक बात हुई कि ऐसे ही जो बच्चे अपने दम पे वार जोन से भाग के बगल के किसी देश में पहुंचे थे,
उनकी फ्लाइट इंडिया आती है और गृह राज्य मंत्री अशोक, क्या नाम है पूरा याद ही नहीं, सरकार में मंत्रियों का नाम याद नहीं आता, वो आते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय। सारे बच्चे बहुत बुलंद आवाज में जवाब देते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर वो बोलते हैं मोदी जी जिंदाबाद, नो रिप्लाई व्हाटसोएवर फॉर अ सिंगल स्टूडेंट्स। आप उनके चेहरे पे भाव देखिएगा, मैं अपना वीडियो लगाने जा रहा हूं, आप भाव देखिएगा उनके चेहरे पे। सारे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल के रख दी हमारे अपने छात्रों ने, और उसके बाद तो जो हुआ वो आप पूछिए ही मत कि लाइक वाज दिस रियली हैपनिंग। भारतीय डिप्लोमेसी के साथ साथ भारतीय मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है, वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन इस स्तर पे वाज इट रियल कि राहुल शिवशंकर, जिसको आरएसएस ठीक ही बोला जाता है और जिसको अर्णब गोस्वामी ने उसकी कुलीग नविका कुमार के साथ कचरा कहा था, वो पैनल डिस्कशन में बुलाता है दो लोगों को, जिसमें से एक डैनियल मैकडम्स हैं जो अमेरिकन थिंक टैंक के मुखिया हैं रॉन पॉल इंस्टीट्यूट के, और दूसरे हैं बहुदा नहलियो की पोस्ट जो यूक्रेन का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है उसके चीफ एडिटर। और ये आदमी अभी तक मैकडम्स कुछ बोले नहीं है, ये आदमी मोनोलॉग में उनके ऊपर चिल्लाना शुरू करता है। बोल कौन रहा है? बोल रहा है कि पोस्ट का चीफ एडिटर नहालियो, और वो ठीक बात बोल रहे हैं। तब तक कि राहुल शिवशंकर के पास तो एजेंडा है, वो शुरू करता है कि तुमने इराक में ये किया, तुमने अफगानिस्तान में ये किया, तुमने ये क्या किया, तुमने वो क्या किया, और उसको भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों पोस्ट के एडिटर को नहालियो को, वो उसको बोलता है यू शट अप, तो वो बोलता है कि आई कैन नॉट शट अप, माई कंट्री इज एट वॉर। दिस स्टूपिड आरएसएस राहुल शिवशंकर टेल्स हिम टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल इन अ डिबेट ऑन वॉर, मींस इफ यू कैन कॉल दैट अ डिबेट। और तब तक मैकडम्स चीखना शुरू करता है, व्हाई द हेक आर यू यलिंग एट मी, आई हैव नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड, तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला है, तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला है। और वो फिर कुछ बोलता है, और तब तक वो बोलता है आई एम मैकडम्स, मैं हूं मैकडम्स, आई एम मैकडम्स। उसके बाद राहुल शिवशंकर के चेहरे पे तिरते हुए भाव देखिए, वो राहुल शिवशंकर का चेहरा नहीं, वो हमारे देश का मीडिया है, वो हमारा दुर्भाग्य। खैर इसके बाद ये पूरा वीडियो देखिए, मुझे इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं है। यूक्रेन युद्ध अब बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गया है, दिस इज स्लोली टर्निंग इनटू अ वॉर ऑफ अट्रिशन। इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ आज रात में एक वीडियो करता हूँ, पर तब तक ये वीडियो प्लीज़ देखें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना। शुक्रिया, रात में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, मतलब हांगकांग के समय से रात में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, विच विल बी ऑन द करंट स्टेटस ऑफ वॉर इन यूक्रेन एंड व्हाट इज हाउ वेल दे आर इंट्रेंच्ड, यूक्रेन का क्या स्टेटस है अभी, रशिया का क्या स्टेटस है, वर्ल्ड ऑर्डर का क्या है, तब तक देखें। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ करें, वीडियोस को लाइक भी करें चैनल पेज पे, और तमाम अपने दोस्तों से साझा भी करें। सी यू ऑल, बाय बाय। आर यू अलाउइंग मी टू स्पीक और एम आई जस्ट टू वॉच? यस सर, आई सी दिस। नो नो, प्लीज गो अहेड, प्लीज। ऑलराइट, यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ कैंगरू कोर्ट बाय द वे यू हैव ड्रॉन अप द मेंबर्स ऑफ दिस पैनल। यू स्टार्टेड, You speak about the word de-escalate. I would ask you, the moderator, to de-escalate your language. You're speaking in very hyper-tense words, and you're using very emotive language. This is not suitable for an intellectual discussion. You interrupted your Chinese speaker in a brutal way, which does not help for an exchange of opinions. I am shocked that your editorial position in India, the country which was one of the two leaders of the non-aligned world, is so prejudicial to the ongoing situation and to the facts, and that you simply repeat verbatim the accusations coming out of Mr. Zelensky's office and amplified by Washington. This is anything but an irresponsible and senseless war. It is a war against NATO. And you have to understand that.
The end game of Mr. Putin is to show the shambles that NATO is and to take the American knee off the neck of Europe. That is the end game. And you, India, along with China, will be the major beneficiaries if Mr. Putin succeeds. Therefore, your program is against the interests of your own country. Talk about this kind of guys, not dogs, not... Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Please, explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back. Okay? Kindly stand back. Hey, so that's the arrangement. I provide shelter here. I provide food for these guys, not you. I understand. Explain to them when they leave home. I understand. When they leave home. Kindly stand back. Thank you very much. So that's the plan as far as all of us moving out are concerned. Okay? So one by one, we will move out everyone from every shelter. Also, let me place on record just now my thanks to the Romanian authorities. Daniel McAdams, just take a bit of a chill pill. I didn't even address the question to you. Relax. Calm down. I don't want to relax. No, my country is well at then, war. Well, Mr. McAdams, if you are so concerned, about it's Ukrainians, then... No, hang on. Mr. McAdams, if you're so concerned about... If you're so concerned about Ukraine, get off the fence and send your forces and put boots on the ground. Don't lecture us here in India, okay? I'm not going to hear your lecture. And if you have really problems, go tell go tell the U.S. President, Mr. Biden, who flashes his fancy credentials. Don't, Mr. McAdams, tonight. Don't, Mr. McAdams, tonight. Play the cat's paw for the West here. Do not do that. We have no. Hang on. You asked those Afghans. You ask those Afghans what they have gone through falling off planes because you dumped them. You ask the African nations because you dumped them. You go ask millions and millions of Iraqi citizens because you dumped them. You people and your colonial agenda, sir, has wrecked. Wrecked the South, has wrecked the East, and don't sit here and lecture us. Don't sit here and lecture us, Mr. McAdams. We shut him down. I'm not talking. It's the other guy who's talking. I haven't been able to say a word. Absolutely. The man has gone completely ballistic. And if he feels so strongly, he should go and fight alongside Ukrainians who are being killed. Dear host, I have not said a word yet. I don't know why you're yelling at me. No, I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. I am Mr. McAdams. Oh. I am Mr. McAdams, and I haven't said a word, so stop yelling at me. Okay, sorry. I got that confused. It's the Ukrainian guy who's going nuts, okay? Not me. Yes, I got that. That's Borden.